उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिसको लेकर बनभूलपुरा के लाइन नंबर 17 में सभी स्थानीय लोगों द्वारा दुआ मांगी जा रही है। उसमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष समेत सभी लोग सड़क पर उतरकर दुआ कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उनकी दुआ कबूल हो जाए और उनके पक्ष में कोर्ट फैसला सुनाए। यहाँ पर हम लड़ रहे हैं जिसे हमारे बाप दादाओं ने अपने खून से सींचा, बनाया हमें यहाँ में रहने के लिए, वो बेहतर और हमारे हक में होगा। आप लोगों से इल्तिजा है, एवं इकट्ठा है और होंगे, जिनके मकान छीने जा रहे हैं जबरदस्ती, हमारी जमीन हमसे छीनी जा रही है, वो जमीने वो मकान है कि आप लोग तमाशाए ना बनकर अल्लाह ताला से खुसूसन दिल से दुआ करें, आयत करीमा का वर्द करें, दुरूद पढ़े, इस्तगफार पढ़े। मासूम बच्चे जो खवातीन पर नशीन, जो माँ बाप बुजुर्ग पलंग पर लेटे हुए हैं, बीमार हैं, जो उठ नहीं सकते, कल अगर ये मकान बच्चे وتقصيرنا بها جميع الحاجات